फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने कांके रोड में मुख्यमंत्री आवास के नज़दीक एक होर्डिंग लगाया है, जिसमें लिखा गया है कि झारखंड राज्य के सभी व्यापारियों, व्यवसायियों, उद्यमियों की ओर से व्यवस्था में सुधार के लिए किए गए अथक प्रयासों का संतोषजनक परिणाम अब तक सामने नहीं आ सका है। अतः हम सब मजबूर होकर सरकार के सामने त्राहिमाम संदेश रखना चाहते हैं। रांची में लगे इस बैनर को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। बहुतों बार घोषणा की ये आपको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध होगी। कृपया उन्हें याद दिला दें कि वो अपने टारगेट में फेल हुए हैं और उनमें जरा सा भी नैतिकता बाकी है तो खड़े न। क्या कारण है कि इतना पैसा इंफ्यूज करने के बाद भी वो बिजली की स्थिति में कोई सुधार नहीं कर पा रहे हैं? ये इसलिए बुलाई है कि शनै शनै परिस्थितियां इतनी विकट हो गई हैं और कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, तो हम आपसे फिर निवेदन कर रहे हैं कि आप मदद करें कि इस बात का संज्ञान लिया जाए। क्या आपके बच्चों को यहाँ रोजगार है? आप जितने खड़े हैं और बैठे हैं, किसके बच्चे को यहाँ रोजगार है? उच्च शिक्षा कितने लोगों के बच्चे यहाँ प्राप्त कर रहे हैं? तो माननीय, ये आपका भी मुद्दा है। व्यापार कोई स्टैंड अलोन नहीं है, ये पूरी की पूरी एक व्यवस्था है। व्यापारियों के अनुसार सरकार का रवैया उनके प्रति सही नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यवसायियों और उद्यमियों को दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम बनाया था। इसका उद्देश्य था कि उद्यमियों को अपने काम के लिए ऑफिस ऑफिस चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, एक ही जगह से उनका सारा काम हो जाएगा। पर होर्डिंग में साफ लिखा गया है कि सिंगल विंडो सिस्टम का उद्देश्य ही यह हो गया है कि उद्यमी दर दर ठोकर खाएं। इस पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर निशाना साधा। तो ये इस प्रदेश की जो हालत बनी, तो हम चाहेंगे कि भाई सरकार से, एक तो सरकार के जो उद्योग विभाग थे उससे सरकार को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि इन 5 वर्षों में सरकार असक्षम पदाधिकारी, संवादहीनता एवं असंवेदनशील सरकार, ये 3 चीज हैं जिसके अंदर में पूरा हमारा चीज जा रहा है। और सरकार अगर अब भी नहीं चेतती है, अब भी नहीं समझती है, हमें कोई मतलब नहीं है विधानसभा में क्या होते हैं क्या नहीं होते, हम उस पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहते हैं और हमारा ये करने का मोटिव ऐसा कुछ है भी नहीं। हमारा केवल एक मात्र कहना है, हम राज्य का हित चाहते हैं, राज्य की जनता का हित चाहते हैं, यहाँ से छोटे और बड़े से बड़े व्यापारी का हित चाहते हैं। हमारा एकमात्र मोटिव यही है। और अगर सरकार अभी भी यह बात सुनने को तैयार नहीं है तो हम इस बात को एस्केलेट करेंगे। अभी किसी पत्रकार ने मुझसे पूछा एस्केलेट कैसे होगा, तो हम सच पूछे बंदी की राजनीति हम नहीं करना चाहते हैं। हम रोड पे उतर करके काले झंडे लेके करना नहीं चाहते, वो हमारा कार्य नहीं है। मुख्यमंत्री आवास समेत 8 जगहों पर इस तरह के बैनर लगाने और व्यवसायियों के इस रवैये से बीजेपी बिल्कुल भी सहमत नहीं है। बाबला जी ने कही वो ऑटोमोबाइल उद्योग से संबंधित है जो जमशेदपुर क्षेत्र में है, उनको पता होना चाहिए कि पूरे विश्व स्तर पर जब हम बात करते हैं तो ऑटोमोबाइल उद्योग विश्वव्यापी मंदी के दौर से गुजर रहा है। चाहे अमेरिका की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, और भारत में करीब 4 लाख करोड़ का सालाना ऑटोमोबाइल का उत्पादन होता रहा है, जिसमें करीब 1,06,000 करोड़ का हम विदेशों को निर्यात करते हैं। इस निर्यात में 35% निर्यात जो हमारा है वो यूरोप को जाता है, 27% अमेरिका को जाता है। जब अमेरिका और यूरोप में मंदी का दौर है तो कहीं ना कहीं हमारे एक्सपोर्ट पर असर पड़ा है। मैं बता रहा हूं, पिछले वर्ष की, वित्तीय वर्ष की जब हम बात करें तो 14.5% की वृद्धि ऑटोमोबाइल उद्योग में पिछले वित्तीय वर्ष में हमने दर्ज की थी। लेकिन ये विश्वव्यापी मंदी का जो दौर भी शुरू हुआ है उसके कारण एक्सपोर्ट में कहीं ना कहीं हम प्रभावित हो रहे हैं। यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में हमारा जो निर्यात में प्रभावित हुआ है और उसके कारण यहाँ पर
जो उत्पादन है उत्पादन पर असर पड़ा है। झारखंड में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि चैम्बर ने इस तरह से होर्डिंग लगाकर सरकार पर सवाल खड़े किए हों। चैम्बर ने होर्डिंग में तो तथ्य लिखे हैं, पर सरकार के कामकाज पर गंभीर सवाल भी खड़ा कर दिया है। सनमार्ग लाइव के लिए मनीष झा की रिपोर्ट।